हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IQ 7 में नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे IQ ने आपके IQ 7 में मई मंथ का जो अपडेट है ना, वो रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आपके IQ 7 में जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया गया ना, उसकी साइज क्या है, वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिले। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि इस अपडेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को रिमूव कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो फीचर है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके IQ 7 में क्या नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को। और बात करें दोस्तों IQ 7 में अपडेट की, तो जो अपडेट आपके IQ 7 में रिलीज किया गया है ना, उसका वर्जन आप देख सकते हैं, वो है 9.72.4। और साइज की बात करें तो 306 MB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, या सिक्योरिटी पैच के साथ जो भी थोड़ा बहुत आपके फ़ोन में बग्स इशू देखने को मिल रहे थे, उसको फिक्स किया गया है। बात करें दोस्तों अपडेट लॉक की, तो सबसे पहले सिस्टम में आपके फ़ोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, जो कि मई 2024 का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो मंथ चल रहा है उस मंथ का सिक्योरिटी पैच का अपडेट आपके IQ 7 में देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों इसी फीचर्स के बारे में बात कर रहा था, आप देख सकते हैं रिमूव स्मार्ट साइड बार, बैकग्राउंड वीडियो लिसनिंग कैपेसिटी, और साथ में दोस्तों आपके फ़ोन के जो भी थोड़ा बहुत लैगिंग की इशू आ रही थी, उसको स्मूथ किया गया है। और नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों, कई बार वाईफाई कनेक्टिविटी में इशू देखने को मिल रही थी, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया, आप देख सकते हैं। फिक्स द ओकेजनल इशू वेयर योर डिवाइस कैन नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क। और ब्लूटूथ की बात करें तो हालांकि ये भी इशू किसी को देखने को नहीं मिली है, कि कई बार हम अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करके स्पीकर में प्ले करते थे, तो इनकमिंग कॉल में इशू देखने को मिल रही थी, तो उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। ये तो रहा अपडेट की बात। बात करें दोस्तों कि कौन सा फीचर आपके फ़ोन से रिमूव कर दिया गया है, तो पहले यहाँ पे यूट्यूब जो वीडियो आप प्ले करते थे उसको बैकग्राउंड में रन करा सकते थे। जब आप यहाँ पे यूट्यूब, जैसे अभी आपको दिखाऊँ मेरे पास यहाँ पे IQ News 7 है, यहाँ पे कोई वीडियो मैं प्ले करूँ तो स्मार्ट साइड बार में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला फीचर आपके IQ 7 में से हटा दिया गया है। बहुत ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट अपडेट आएगा तो इसको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस फीचर्स को अगर आप पसंद है तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन को अपडेट मत करिएगा, क्योंकि ये वाला फीचर फाइनली रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। धन्यवाद।